नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय यादव। मैं पूजा यादव। आइए नजर डालते हैं ट्राई सिटी हलचल पर। चलिए, अगर हम बात करें अपनी ट्राई सिटी हलचल में, तो शुरुआत करते हैं अपनी कोरोना अपडेट से। जी हां, हम आपको बता दें कि 95 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं पर 57 ठीक भी हो गए हैं। शहर में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो अब तक 958 हो गई है। तो वहीं अब तक शहर में कोरोना की 15,434 मिल चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात ठीक जो मरीज हो चुके हैं उनकी बात करें, तो वहीं अब तक बुधवार को शहर में 57 मरीज कोरोना से जंग जीत कर वापस आ गए हैं और अब तक शहर में 14,233 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जी पूजा, लोगों की लापरवाही के कारण जो है कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद ठग लोग कंपनियों को चूना लगाते थे। आपको बता दें कि मोहाली पुलिस ने स्पेशल नाका लगाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद जो कंपनी से सामान आता था, डिलीवरी बॉय लेकर आता था, उसको चूना उसका सामान से बॉक्स में सामान निकालना और फर्जी डमी बॉक्स के अंदर रखनी, ये काम करते थे। जिसके बाद कंपनी को भी इन युवकों के ऊपर शक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इन लड़कों के पास से 3 जो लड़के हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8,00,000 की जो है सामान जो है इन्होंने जो चूना लगा के खरीदा था वो बरामद कर लिया है पुलिस ने। जी पूजा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर दिवाली में पटाखों की चर्चा तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो वहीं पर पटाखों पर बैन के फैसले को 2 दिन में रिव्यू करे प्रशासन। इस पर चंडीगढ़ में पटाखे पूरी तरह से बैन करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए और कहा कि अनुमति नहीं मिली तो प्रशासन से नुकसान का क्लेम करना डीलर्स का अधिकार होगा। तो वहीं पर जहां पर चंडीगढ़ में इतने ज्यादा प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन लगाने का फैसला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं पर प्रतिबंध के बावजूद बुधवार को पंजाब भाजपा ने सेक्टर 37 में जीत के जश्न में इतने पटाखे फोड़े कि वहां धुआं ही धुआं हो गया। जी पूजा, शर्मनाक बात है, जहां पर प्रशासन ने बैन किया है वहीं पर जो नेता लोग हैं वहां पे इस तरह की नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जी नजर डालते हैं अगली खबर पर। मकान मालिक अमेरिका गए हुए थे, सेक्टर 21 जो है मकान 21 सेक्टर के मकान में एक चोरी हुई है। आपको बता दें कि जो मकान मालिक है उन्होंने अपने पास में ही किसी पड़ोसी को बोला था कि यहाँ पर जो है गमलों में पानी डालना है, जिसके बाद जो पड़ोसी है वो दिन में गया गमलों में पानी डालने, उन्होंने देखा कि जो है घर का लॉक टूटा हुआ था वहां पे। कई जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो देखा अंदर से सामान जो है कई सारा सामान चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पूजा जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहां पर कोरोना की मार अभी खत्म भी नहीं हुई है और जहां स्कूलों और कुछ स्थानों को अभी खोला भी नहीं गया है, तो वहीं पर शहर में अनुमति के बिना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले नजर आ रहे हैं। जहां हम आपको बता दें कि कोरोना का डर अभी लोगों की शायद दिल से गया ही नहीं है, लेकिन सरेआम बच्चों को अकेडमी में बुलाकर लोग कोचिंग दे रहे हैं। क्लासरूम में न सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और न संक्रमण का खतरा तो इतना बढ़ गया है कि उसके को ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरह की लापरवाही जो है बड़ा ग्राफ जो है कोरोना का आने वाले समय में देखा जा सकता है। जी जिस तरह से जो है इस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को बुला लेते हैं और इस पर लापरवाही अपनी दिखा देते हैं। नहीं डालते हैं अगली खबर पर। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकुला ने 10 किलो गांजे के साथ सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं खरड़ में 2 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है ताकि जो है नशे के ऊपर लगाम लगाई जा सके। पूजा जी, अब अगर नशे की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नशे में धुत एक इनोवा ड्राइवर ने हॉस्पिटल के बाहर खंभे को एक टक्कर मार दी, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जहां घटना के दौरान मौके पर कई आजकल दिवाली पर रेडी फेडी वाले खड़े रहते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो तभी उस दौरान भी कई रेडी फेडी वाले वहां पे खड़े थे, लेकिन खैरियत की बात तो यह है कि किसी की जान और माल को नुकसान नहीं हुआ। और ये जो मामला है ये मनीमाजरा सरकारी अस्पताल के बाहर हुआ था और ये मामले की जांच चल रही है। जी नजर डालते हैं अगली खबर पर। किसान आंदोलन के चलते चंडीगढ़ से चलने वाली ट्रेनें 13 तक बंद रहेंगी। जो है रेलवे स्टेशन ने गाइडलाइन जारी की है, उन्होंने बताया है कि जो जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उनकी सूची जारी कर दी है। किसान आंदोलन जो है पंजाब में जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके कारण जो है ट्रेन जो रूट है काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। जी पूजा, चलिए ट्राई सिटी हलचल में अब तक के लिए इतना ही। मैं और अक्षय आपके साथ फिर लौटेंगे कुछ नई ताजा रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी।